भाई के दुख की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही। जिस तरह से उनको मिसगाइड किया गया था कि जगह कोई भी होता तो बदगुमान हो जाता। हमें समझ रही थी कि हमें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हकीकत यह है मम्मी सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती आई। उन्होंने आपको बर्बाद करने की कसम उठाई थी, ये तक नहीं सोचा कि आप वाइज भाई की जिंदगी हैं। इन बातों से क्या हासिल होगा लाइबा? बहते पानी की तरह वक्त आगे बढ़ चुका है। साजिश, शक, बदगुमानियां सब कहीं बहुत पीछे रह चुका है। वक्त आपके लिए बहुत आगे चला गया, लेकिन फाइज भाई तो दलदल में फंस गए। आपकी तरह वो भी बेकसूर थे। उनका वाहिद कसूर ये था, उन्होंने बेतहाशा मोहब्बत की थी आपसे। उसी ने सब चीजों की सजा पाई है। सारी जिंदगी वो इस दलदल में तन्हा गुजारेंगे। खुद को यही सजा सुनाई। तन्हा क्यों? फाइज भाई मम्मी के साथ नहीं रहेंगे, उन्होंने मम्मी को छोड़ दिया हमेशा के लिए। नहीं लहबा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कहकर शांति ने मुझसे कहा था कि इसकी जिंदगी में मैं रहूंगी या वो। मैं फाइज को छोड़ चुकी हूं, कहकर शांति तनहा क्यों रहे? तुम फाइज को समझाओ। शायद मम्मी जैसी जिद्दी बेरहम माओं की किस्मत में यही तन्हाई रह जाती। तन्हा रहना पड़ते हैं, आपको खुशी खुशी कबूल कर लेते, वकास को अपना लेते। तन्हाई कभी भी उनका मुकद्दर ना बनती। फाइज भाई को मैं क्या समझा, वो तो पत्थर के बुत की तरह साकेत है। कोई ख्वाहिश, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही।